दोस्तों, शाहरुख खान की पैंथर मूवी पर एसएस राजामौली का बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। एसएस राजामौली शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहते हैं, शाहरुख खान इंडिया के नंबर वन हीरो है और लोकेश कनगराज जैसा डायरेक्टर अगर शाहरुख के साथ पैंथर को रिलीज करता है तो बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ पक्के हैं, क्योंकि लोकेश बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है और शाहरुख खान विक्रम राठौड़ है। अगर ये जोड़ी बड़े पर्दे पर एक बहुत अच्छी कहानी दिखाने में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, पैंथर का क्रेज पठान 2 से काफी ज्यादा है और लोकेश कनगराज बहुत अच्छे डायरेक्टर है। उन्होंने आज तक जो भी मूवीज बनाई है वो सुपरहिट साबित हुई है और अब तो बॉलीवुड के बादशाह के साथ पैंथर बनाने वाले है। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड खत्म। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पैंथर की बजट 400 करोड़ है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े एक्शन और जंगल बेस कहानी को दर्शाया जाने वाला है और इसमें शाहरुख खान को विक्रम राठौड़ वाले अवतार में दिखाया जाएगा और हर किसी को डंकी के बाद पैंथर का ही इंतजार है। दोस्तों, शाहरुख खान इंडिया के पहले एक्टर हैं जिन्होंने एक साल में 2500 करोड़ का कलेक्शन किया है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जा रहा है जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया था। शाहरुख खान ने जो कहानी पठान से शुरू की थी वो डंकी के साथ समाप्त हो गई है और शाहरुख खान ने जो बोला था वो सब कुछ करके दिखाया है और जो पठान के टाइम शाहरुख खान की बुराई कर रहे थे उनके मुंह पर शाहरुख ने कमाचा मारा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ये प्रूफ किया है कि शाहरुख से बड़ा कोई दूसरा एक्टर नहीं है। और अब शाहरुख खान डायरेक्टर एटली कुमार के बाद लोकेश कनगराज के साथ मिलकर पैंथर मूवी बना रहे हैं जो कि आने वाले समय में और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड क्रिएट करेगी जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। शाहरुख खान पूरी दुनिया के बादशाह है और उन्होंने जो मूवीज बनाई है वो लोग आज भी देखना पसंद करते हैं और अब पैंथर भी एक्शन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों, आप एसएस राजामौली की बातों से कितना सहमत हो और क्या लगता है आपको, पैंथर मूवी क्या जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? अपनी राय कमेंट में लाजमी बताना और अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल FFU को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको शाहरुख खान की आने वाली हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।